हाय, मेरे चैनल नीट आर्ट पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मैं आपको अंगूठे वाली सॉक्स बनाना सिखा रही थी। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको इतना बनाना सिखा दिया था, इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है और जालियाँ कैसे बनानी है, यहाँ तक मैंने सिखाया था। तो उसके बाद फिर ये मैंने सीधा सीधा बुना है पिंक कलर से, ये 6 सिलाइयाँ। उसके बाद फिर मैंने ये ब्लैक कलर से 2 सिलाइयाँ बुनी है सीधी उल्टी। उसके बाद फिर से मैंने ये 6 जालियाँ, 5 5 जालियाँ, आप चाहे 5 बना लो चाहे 6 बना लो, ये आपकी मर्ज़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने हिसाब से बनाई है, तो आप जितनी आपको बनानी है बना लेना। आप चाहे तो ये बराबर बराबर रखो, जो मैंने बीच में वाइट के मैंने ज़्यादा रखा है, ये पिंक का कम रखा है, ब्लैक का उससे कम रखा है, आपको जैसा ठीक लगे वैसे बना लेना। और अब मैं फिर से इस वाले डिज़ाइन को एक बार सिखा देती हूँ थोड़ा सा बना के, कि ये कैसे बनना है। एक बार ये भी बता देती हूँ, ऊन मेरी मोटी है और मैंने सिलाइयाँ भी मोटी ले रखी हैं, ये 8 नंबर की सिलाइयाँ ले रखी हैं, और 100 ग्राम से भी कम ऊन में ये हमारा जो सॉक्स है बन जाता है, और बची हुई ऊन से बन जाता है, ये तो बहुत कम ऊन लगती है इसको। अब देखिए, ये तीसरा जो होल है इसमें हमने डाल के सीधा बुन के इस वाले एक स्टिच सा बना लेना है, फंदा बना लेना है ऐसे, और अगले जो 3 फंदे हैं इनको ऐसे उतार लेना है बिना बुने ही। और इस वाले जो हमने निकाला है पिंक कलर का, इसको इसके ऊपर से निकालना है। तो अगला फंदा फिर हमने ऐसे सीधा बुन लेना है पिंक कलर से। फिर से देख लीजिए, 1 2, ये तीसरा जो है और इसके अंदर हमने डालना है, और अगले 3 फंदे साथ में ये ऐसे हमने सिलाई पे ले लेने हैं। अब ये पहले वाला है, इसको उठा के हमने ऐसे गिरा देना है, तो ये हमारा ऐसा बनेगा। तो ऐसे ही ये पूरी सिलाई हमने बनानी है। ये देखिए, लूज रखना है इस वाले फंदे को हमने, और ये 3 फंदे इस सिलाई पे ले लेंगे और इसको ऐसे ऊपर से गिरा देंगे और उनको थोड़ा सा खींच देंगे, तो ये बन गया हमारा डिज़ाइन। इसी पूरी सिलाई में ऐसे ही करना है, फिर उल्टी सिलाई में दिखाती हूँ आपको क्या करना है। देखिए, ये लास्ट में पहुँच गए हैं हम। लास्ट में फिर हमने 2 फंदे ये पिंक कलर से ही बुन देने हैं, तो ये हमारा डिज़ाइन बन के बन गया है। अब हमने उल्टी सिलाई में क्या करना है, ये 2 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, और ये 3 फंदे जो हैं इनमें से एक फंदा हमने उल्टा बुनना है, जो सेंटर वाला है उसको ऐसे उतारना है, फिर 3 फंदे उल्टे सेंटर वाला ऐसे उतारना है, फिर 3 फंदे उल्टे, ऐसे ही पूरी रो ये रिपीट करनी है हमने। सेंटर वाला जो 3 फंदे सफ़ेद वाले हमने बनाए हैं, इसका सेंटर वाला हमने ऐसे उतारना है, 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, तो इसको हमने ऐसे उतारना है, फिर ये 3 फंदे अगले उल्टे बुनने हैं, ऐसे पूरी सिलाई रिपीट करनी है। तो मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, ये हम राइट साइड में आ गए हैं, तो ये हमारी 2 रो का ही डिज़ाइन था। अब हमने ये सारे फंदे पिंक कलर से सीधे ही बुनने हैं, ये देखिए। अब जो ये फंदा हमने उतारा था, ये भी हम सीधा ही बुनेंगे, ऐसे ही पूरी रो, 6 रो हम ऐसे ही बुनेंगे। तो मैं बुन लेती हूँ सीधी उल्टी, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए, ये मेरा इतना बन गया है। अब हम इसके अंगूठे बनाएंगे। अंगूठे बनाने के लिए हमें लेफ़्ट और राइट का कुछ नहीं देखना है कि पंजा या अंगूठा कैसे क्या करना है, ये सेम बनता है। सेंटर से हम कर लेते हैं फंदे आधे आधे दोनों तरफ को, दोनों चीज़ें जो है हमारी सेम बनेंगी। आप जालियाँ, मेरी मोटी ऊन थी तो मैंने इसमें 20 जालियाँ रखी हैं, 19 जालियाँ। आप अगर बारीक है आपकी तो आपको ज़्यादा रखनी पड़ेंगी जालियाँ, क्योंकि फिर ये उसमें थोड़ी सिलाइयाँ भी ज़्यादा डलेंगी, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे आप अगर आप 5 5 रखते हो, 6 6 रखते हो, तो बराबर बराबर भी रख सकते हो, ये आप डोरे अगर डालते हो बीच में, तो मैंने ये अपने हिसाब से डाले हैं, ये आप अपनी ऊन के हिसाब से देख लेना। तो ये हमने 20 फंदे हमारे और बढ़ गए हैं इसमें, तो हमने 41 इस तरफ रखे हैं, 41 इस तरफ रखे हैं। तो अब हमने एक तरफ का बुनना है, उल्टा सीधा ही बुनते हुए हमने, हम पहले इस साइड से बना लेते हैं ये सारे फंदे। अब हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे, और फिर कलर भी जैसे यहाँ चेंज करें हैं ये चेंज करेंगे, अभी इसी पिंक कलर से ही डालूंगी मैं 2 सिलाइयाँ। तो उसके बाद फिर हम ब्लैक लगाएंगे, तो ये मैं बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, ये हमारा एक तरफ से ये हमने बना लिया है, ये मैंने 2 सिलाइयाँ डाली हैं, ये पहले हमने यहाँ से 2 सिलाइयाँ और डाली थी इसी रंग में,
और उसके बाद ये चार चार सिलाइयाँ डाली हैं, दो फिर ये मैंने ब्लैक की डाली हैं। मतलब अभी मैं ये 10 फंदे घटा दूंगी, ऐसे बुन लेंगे, पीछे का फंदा उठा के ऐसे निकाल देंगे। तो ऐसे हम 10 फंदे घटाएंगे, ये हमारे अंगूठे के लिए होंगे, दो हो गए, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। ये देखिए 10 फंदे हमने घटा दिए हैं। अब हमारे यहाँ पे ये 31 फंदे रह गए हैं। आपको फ्रेंड्स, अंगूठा आप अपने नाप से बना सकते हो, ये मैंने बनाया है अपने हिसाब से। आप अब अपने हिसाब से थोड़ा सा अंगूठा का लगा के देख लेना, जितना लंबा रखना हो उस हिसाब से आप रख सकते हो। तो इस तरफ भी हम ऐसे ही बनाएंगे, और ये सिलाई हम बुनते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, और इस तरफ से भी हम ऐसे ही बनाएंगे और ऐसे ही 10 फंदे घटा देंगे। तो ये हमारा दोनों तरफ से बन जाएगा सेम। और मैं इस तरफ से भी बना लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको पूरा कंप्लीट करके कि फिर कैसे सिलना है ये। देखिए हमने ये दोनों तरफ से 10 10 फंदे कम कर दिए हैं, घटा दिए हैं। अब हमारे दोनों सिलाइयों में 31 31 फंदे रह गए हैं। तो अब क्या करना है, हमने इन ऐसे उल्टा कर लेना है दोनों तरफ से, ये बाहर की तरफ उल्टा साइड आना चाहिए। और अब इन फंदों को हमने घटा देना है, एक फंदा हम इस सिलाई में सिलेंगे, एक इसमें से ऐसे, और सीधा बुन के इन फंदों को निकाल देना है सिलाई में से। ये हमने सीधा बुनना है थोड़ा लूज हाथों से, और एक फंदा यहाँ से, एक यहाँ से, इन फंदों को निकाल देना है। अब इस फंदे को हमने पीछे से उठा के ऐसे, ये हमारा कम हो गया एक फंदा, ऐसे ही हमने घटाते हुए ये पूरी रो, सारे फंदे हमने ऐसे घटा देने हैं। ये देखिए, एक इस सिलाई में से, एक उस सिलाई में से लेके हमने सीधा बुना, पीछे वाला फंदा उठा के ऐसे सिलाई पर के ऊपर से ऐसे गिरा देना नीचे को। तो मैं ये सारे फंदे घटा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फिर उसके बाद कि हमने कैसे ये फिर जोड़ना है सिलाई सुई से। ये सारे फंदे मैंने घटा दिए हैं। अब क्या करना है, अब हमने यहाँ से सिलना है। तो सिल लेती हूँ मैं, सिलना भी दिखा देती हूँ कैसे सिलना है। ये हमने यहाँ से ऐसे ऐसे सिलना है, यहाँ से सिलते हुए हमने इस तरफ तक आ जाना है। बार दिखा देती हूँ कैसे सिलना है। दोनों तरफ से हमने ऐसे फंदे उठाने हैं, उस तरफ से भी। ऐसे ही सिलते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। तो मैं ये सिल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको सिल के। देखिए अंगूठे मैंने सिल दिए हैं, अब हम ये बैक साइड से भी सिल देंगे। तो देखिए कैसे सिलना है ये, जैसे हमने अंगूठे सिले हैं वैसे ही हम इस तरफ से भी सिल देंगे। देखिए दोनों तरफ से हमने उठा के ऐसे, ऐसे सिलते हुए यहाँ तक आना है हमने। तो मैं ये सिल लेती हूँ, ये भी फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए ये मैंने सिल लिया है, कंप्लीट हो गया मेरा सिल के। और ये बाकी धागे जो हमने अंदर एक्स्ट्रा है उनको काट दिया है और हाइड कर दिया है उनको अंदर की तरफ। और ये बन के दोनों पैर हमारे बन गए हैं, कंप्लीट हो गया है ये। तो देखिए अगर आपको
मेरा ये वीडियो पसंद आया है, मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया है, मेरे सिखाने का तरीका पसंद आया है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो लाइक भी करें। थैंक यू।